तुम्हारी माता सुनीति जो भी तुम्हारे समीप आ जाएगी आ पहुंचेगी। जो मनुष्य एकाग्रचित हो तुम्हारे द्वारा किए हुए इस उत्तम स्तोत्र का तीनों समय पाठ करेगा इसकी पाप राशि का नष्ट हो जाएगी और लक्ष्मी उसी का घर छोड़ नहीं पाएगी। उसका माता से वियोग नहीं होगा और भाई बंधु के साथ कभी कलह नहीं होगा। भगवान के दोनों पार्षद कहते हैं ब्राह्मण ध्रुव से, ऐसा कहकर भगवान गरुण ध्वज वहां से चले गए। महर लोक, जन लोक और तपोलोक की स्थिति, ब्रह्म जी के द्वारा सत्य लोक का महत्व कथन और भारतवर्ष वहां के तीर्थों की महत्ता बताते हुए प्रयाग और काशी की महिमा का प्रतिपादन। अगस्त जी कहते हैं तदंतर वायु के समान वेगशाली वह विमान स्वर्ग लोक से ऊपर अत्यंत अद्भुत महर लोक में जा पहुंचा। तब ब्राह्मण ने पूछा यह मनोहर लोक कौन सा है। दोनों भगवत पार्षदों ने कहा ब्राह्मण यह महर लोक है जो स्वर्ग लोक से भी अद्भुत है। जिन्होंने तपस्या से अपनी पाप राशि धो डाली है वे कल्पना विकल्पांत जीवी तपस्वी यहाँ निवास करते हैं। भगवान विष्णु का निरंतर स्मरण करने से उनकी समस्त पाप राशि नष्ट हो जाती है। इस प्रकार वे दोनों पार्षद कह ही रहे थे कि आधे क्षण में वह विमान उन सबको लेकर जनलोक में जा पहुंचा। यहाँ ब्रह्म जी के मानस पुत्र निर्मल योगीश्वर एवं नैष्ठिक ब्रह्मचारी सनक सनक आदि निवास करते हैं। अखंड ब्रह्मचार्य का पालन करने वाले अनन्या योगी भी सब प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त हो अत्यंत निर्मल होकर जनलोक में निवास करते हैं। मन के समान वेग से चलने वाले उस विमान ने जनलोक से ऊपर जाकर शीघ्र ही तपोलोक को दृष्टि गोचर कराया है जहां विराज नाम वाले देवता निवास करते हैं जिनका मन भगवान वासुदेव में लगा रहता है। जो अपने समस्त कर्म वासुदेव को समर्पित कर रहा तथा कर देता है तथा तपस्या द्वारा भगवान गोविंद को संतुष्ट करके जो सब प्रकार की इच्छाओं का त्याग कर चुके हैं ऐसे जितेंद्रिय महात्मा तपोलोक में जाकर निवास करते हैं। जो तपस्याओं से अपने शरीर को कलेश देकर तपरूपी धन का संग्रह कर चुके हैं वे ब्रह्मा जी के समान आयु वाले होकर निर्भयता पूर्वक निवास करते हैं। पुण्य आत्मा शिव शर्मा जब तक भगवत पार्षदों के मुख से इस प्रकार तपोलोक की महिमा सुनते रहे तब तक उनके नेत्र के सामने परम प्रकाश में सत्यलोक आ पहुंचा। वहां जाते ही वे दोनों पार्षद उनके साथ तुरंत ही विमान से उतर पड़े और उन सब ने समस्त लोकों के सृष्टा ब्रह्म जी के चरणों में प्रणाम किया। ब्रह्म जी बोले भगवत पार्षदों से भगवान बुद्धिमान ब्राह्मण शिव शर्मा वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान है। स्मृतियां और धर्म शास्त्रों में बताए हुए सदाचार के पालन में परम प्रवीण है तथा पाप कर्मों से सदा विमुख रहे हैं। परम बुद्धिमान द्विज शिव शर्मन मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। वत्स तुमने उत्तम तीर्थ में प्राण त्याग करके बहुत ही अच्छा किया। तुमने यह जो कुछ देखा है वह सब शीघ्र नष्ट होने वाला है। मेरे प्रत्येक दिन के अंत में प्रलय होगा और मैं दिन के प्रारंभ में बार बार सृष्टि करता हूँ। जब स्वर्ग आदि लोकों की यह अवस्था है तब मरणशील मनुष्य की तो बात ही क्या है। परंतु चार प्रकार के जीव स्वदेज उभिदज जरायुज तथा अंडज समुदायों में से मनुष्यों में ही एक ऐसा गुण है कि वे कर्म भूमि भारत में मन सहित चंचल इंद्रियों को जीतकर गुणों के शत्रु लोभ का त्याग करके धर्म की परंपरा परस्पर तथा धन राशि का नाश करने वाले काम को विचार के द्वारा मन से बाहर निकालकर धैर्य से क्रोध रूपी शत्रु को जीतकर और मद का परित्याग अहंकार का निवारण तथा मोह का नाश करके धर्म की सीढ़ी पर चढ़कर अनन्या ही इस सत्यलोक में आ जाते हैं। आर्यवर्त के समान देश काशी के समान पुरी तथा विश्वनाथ जी के समान लिंग इस ब्रह्मांड मंडल में
कहीं भी नहीं है। समुद्र के बीच में अनेक द्वीप हैं, किंतु इस पृथ्वी पर जम्बूद्वीप के समान दूसरा कोई द्वीप नहीं है। जम्बूद्वीप में भी 9 वर्ष हैं, जिनमें भारतवर्ष सबसे श्रेष्ठ है। इसे कर्म भूमि कहा गया है। यह देवताओं के लिए भी दुर्लभ है कि पुरुष आदि जो 8 वर्ष हैं, वे देव योग्य हैं। उनमें देवता लोग स्वर्ग से आकर रमण करते हैं। यह भारतवर्ष 9000 योजन विस्तृत है। इस भारतवर्ष में भी हिमवान और विंध्यगिरी के बीच का भाग अत्यंत पुण्यदायक है। इसमें भी गंगा और यमुना के बीच का भाग पृथ्वी की अंतर्वेदी है। यहाँ के क्षेत्र में कुरुक्षेत्र सबसे बढ़कर है। उससे भी उत्तम निमिषपराण क्षेत्र है, जो स्वर्ग का श्रेष्ठ साधन है। इस समस्त भूमंडल में निमिषपराण से तथा अन्य सब तीर्थों से भी बढ़कर तीर्थराज प्रयाग है। वह स्वर्ग, मोक्ष तथा संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। इसलिए प्रयाग महान क्षेत्र है और उसे सब तीर्थों का राजा माना गया है। मैंने पूर्व काल में सब यज्ञों को एक ओर तराजू पर रखा और दूसरी ओर तीर्थों में श्रेष्ठ प्रयाग को रखा, किंतु उसी का पलड़ा भारी रहा। दक्षिणा आदि से पुष्ट समस्त यागों की अपेक्षा इस क्षेत्र को प्रधान देखकर विष्णु और शिव आदि ने उसका नाम प्रयाग रख दिया। उसके नाम मात्र का तीनों काल में स्मरण करने से मनुष्य शरीर में कभी कहां कहीं पाप नहीं ठहरता है। असंख्य जन्मांतरों में जिस पाप राशि का संग्रह किया गया है, व्रत दान जप और ताप से भी जिसको दूर करना अत्यंत कठिन है, वह पाप राशि भी जब कोई तीर्थ राज प्रयाग में जाने के लिए उद्यत होता है, तब आंधी के मारे हुए वृक्ष की भांति शरीर के भीतर थर थर कांपने लगती है। तत्पश्चात प्रयाग जाने का दृढ़ संकल्प होकर लेकर जो आधा रास्ता तय कर लेता है, उस पुरुष के शरीर से वह पाप राशि का पग पग पर निकलने की इच्छा करती है। यदि भाग्यवश उस महात्मा को तीर्थराज प्रयाग का दर्शन हो जाता है, तब तो उसके पाप उसी प्रकार शीघ्र भाग जाते हैं जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार 7 धातुओं के बने हुए मानव शरीर में जो जो पाप है, वे केशों में आकर ठहरते हैं। अतः केशों का मुंडन करा देने पर वे भी निकल जाते हैं। इस प्रकार निष्पाप होकर गंगा यमुना के श्वेत श्याम सलील के सामने संगम में स्नान करना चाहिए। उस स्नान से मनुष्य महान पुण्य राशि मनोवांछित पुण्यमय भोग तथा स्वर्ग को भी पाता है, और जो निष्काम भाव से स्नान करता है, वह मोक्ष पाता है। ब्राह्मण, इस प्रकार मैं सत्यलोक और प्रयाग में कोई अंतर नहीं समझता, क्योंकि वहां रहकर जो शुभ कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, वे मेरे लोक के निवासी हैं। जिस भाग्यवान मनुष्य की हड्डियां भी प्रयाग में पड़ जाती हैं, उसे किसी जन्म में लेश मात्र भी दुख नहीं प्राप्त होता। ब्रह्महत्या आदि पापों का प्रायश्चित करने की इच्छा वाले पुरुषों को ब्राह्मण की आज्ञा लेकर विधि पूर्वक प्रयाग तीर्थ का सेवन करना चाहिए। तीर्थ राज प्रयाग से भी श्रेष्ठ तीर्थ है काशी। वह संपूर्ण भवनों में सबसे उत्तम है। काशी में देह अवसान होने से अननास मुक्ति होती है। इसमें संशय नहीं है कि काशी क्षेत्र प्रयाग से भी अधिक रमणीय है, जहाँ साक्षात भगवान विश्वनाथ निवास करते हैं। विश्वनाथ जी के निवास स्थान अभी मुक्त नामक महाक्षेत्र से अधिक रमणीय तीर्थ इस ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। अविमुक्त क्षेत्र ब्रह्मांड के भीतर रहकर भी ब्रह्मांड में नहीं है। इसकी लंबाई 5 कोस है। प्रलय काल में एकावर्ण का जल जैसे जैसे बढ़ता, वैसे वैसे इस क्षेत्र को शिवजी ऊपर उठाते जाते। काशी क्षेत्र महादेव जी के त्रिशूल की नोक पर स्थित है। यह नो तो आकाश में स्थित है और ना भूमि पर ही, किंतु मूढ़ बुद्धि मनुष्य इसे इस रूप में नहीं देख पाते। यहाँ सदा सत्ययुग रहता है, सदा महापर्व लगा रहता है। विश्वनाथ जी के निवास स्थान में ग्रह के अस्त उदय जनित दोष की प्राप्ति नहीं होती।
वहां सदा उत्तरायण सदा महान अभ्युदय और सदैव मंगल है। जहाँ की भगवान विश्वनाथ की स्थिति है, विप्रवर 14 भुवनों की सृष्टि मैंने ही की है, परंतु इस काशीपुरी के निर्माता साक्षात भगवान विश्वनाथ हैं। मैं नहीं, काशी में देह त्याग करने वालों का नियंत्रण स्वयं भगवान विश्वनाथ करते हैं। जिन्होंने वहाँ रहकर भी पाप किए हैं, उनको दंड देने वाले काल भैरव हैं। वहाँ कभी किसी को पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह पाप करने वालों को दारुण रुद्र यातना भोगनी पड़ती है, जो नरक से भी अधिक दुष्य है। जो मनुष्य दूसरों की निंदा और पर स्त्री की अभिलाषा करते हैं, उन्हें काशी का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहाँ काशी और कहाँ वह नरक, जो वहाँ सदा प्रतिग्रह लेकर धन संग्रह करने की अभिलाषा लाकर रखता है, अथवा कपट पूर्वक दूसरों का धन हड़प लेना चाहते हैं। ऐसे लोगों को भी काशी का सेवन नहीं करना चाहिए। काशी में रहने वाले पुरुषों को दूसरों को पीड़ा देने वाला कर्म सदा के लिए त्याग देना चाहिए। यदि वहाँ भी वही करना हो तो दुष्ट चित्त वाले पुरुषों को काशी में निवास करना चाहिए। काम का है जो दूसरों से द्रोह की बात सोचते, दूसरों से डहा रखते और सदा दूसरों को सताया करते, उनके लिए काशीपुरी सिद्धिदायक नहीं। इस पृथ्वी पर ज्ञान के बिना कहीं मोक्ष नहीं होता। वह ज्ञान ना तो चंद्रायन आदि व्रतों से प्राप्त होता है और ना उत्तम देश काल में सतपात्र को विधि एवं श्रद्धा पूर्वक दिए हुए तुला पुरुष आदि मुख्य मुख्य दानों से ही मिलता है। अहिंसा, ब्रह्मचार्य आदि यमो, शोच संतोष आदि नियमो, पूजन आदि सत्कर्मों तथा शरीर को सुखाने वाली कठोर तपस्याओं में से भी उसकी प्राप्ति नहीं होती। गुरुओं द्वारा दिए हुए महामंत्रों के जप से, स्वाध्याय से, शास्त्रोक्त विधि से, अग्निहोत्र करने से, गुरुओं की सेवा से, श्रद्धा से, श्राद्ध से, देवा पूजन से तथा अनेकों तीर्थों की यात्रा करने से भी उस ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि योग के बिना ज्ञान नहीं होता। गुरु के उपदेश किए हुए मार्ग से निरंतर अभ्यास पूर्वक तत्वार्थ विचार करना ही योग्य है। उस योग में भी अनेक प्रकार के विघ्न आया करते हैं, अतः एक ही जन्म में प्राय ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, परंतु इस काशीपुरी में जप तप और योग के बिना भी एक ही जन्म में कल्याण की प्राप्ति होती है। द्विज श्रेष्ठ, तुमने शुद्ध बुद्धि से काशी तीर्थ में जो कल्याणकारी पुण्य का उपार्जन किया है, जिसका भारी फल महान है, भगवत पार्षदों के सामने ही इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी मौन हो गए और महामना शिव शर्मा भी बहुत प्रसन्न हुए। वैकुंठ और कैलाश की स्थिति तथा शिव और विष्णु की अभिन्नता एवं महत्ता का निरूपण। अगस्त्य जी कहते हैं, तदंतर भगवान के पार्षद ब्रह्मा जी को प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक चले गए और अपने विमान पर बैठकर वैकुंठ धाम के समीप जा पहुँचे। सत्यलोक से जाते समय शिव शर्मा ने पुनः पूछा, भगवत पार्षदों, अब हम लोग कितनी दूर आए हैं और अभी कितनी दूर और चलना है? भगवत पार्षद बोले, ब्राह्मण, सूर्य और चंद्रमा की किरणों का प्रकाश जहाँ तक जाता है, समुद्र, पर्वत और वन सहित उतनी ही पृथ्वी मानी गई है। उसके ऊपर आकाश है, पृथ्वी से 1,00,000 योजन ऊपर सूर्य की स्थिति है। पृथ्वी पर समुद्र, द्वीप, पर्वत और वन सहित जो कोई भी वस्तु है, वह सब भूलोक के नाम से विख्यात है। भूलोक से लेकर सूर्यलोक तक भूअरलोक कहलाता है। सूर्यलोक से ध्रुवलोक तक स्वर्गलोक कहलाता है। पृथ्वी से 1 करोड़ योजन की ऊंचाई पर मेहरलोक है। 2 करोड़ योजन ऊंचे जनलोक हैं। 4 करोड़ योजन की ऊंचाई पर तपोलोक और पृथ्वी से 8 करोड़ योजन ऊंचे
सत्यलोक बताया गया है। सत्यलोक से भी ऊपर वैकुंठ धाम है, जो पृथ्वी से 16 करोड़ योजन ऊपर स्थित है, जहां सबको अभयदान करने वाले साक्षात भगवान लक्ष्मीपति निवास करते हैं। वैकुंठ की अपेक्षा 16 गुनी ऊंचाई पर शिव जी का निवास स्थान है, कैलाश धाम अवस्थी है, अर्थात वह पृथ्वी से 2,56,00,000,000 योजन की दूर पर स्थित है, जहां गिरिराज नंदनी उमा गणेश जी कार्तिकेय जी तथा नंदी आदि के साथ कल्याण स्वरूप भगवान विश्वनाथ विराजमान है। लीला स्वरूप धारण करने वाले उन भगवान का यह सब दृश्य प्रपंच खेल मात्र है। वे संपूर्ण विश्व के स्वामी रूप से विख्यात हैं और यह समस्त जगत उनकी आज्ञा का पालन करता है। श्रुतियों में साकार निराकार सर्वव्यापी नित्य सत्य एवं द्वित रहित कहकर जिस पर ब्रह्म का प्रतिपादन किया गया है, वे ही भगवान शिव हैं। वे समस्त कारणों से परे एवं परातर्प हैं। उन्हीं के विषय में श्रुतियां कहती हैं कि ब्रह्म का स्वरूप परम आनंदमय है। उन भगवान शिव को वेद भी नहीं जानते, वाणी के मन के साथ उन तक ना पहुंचकर लौट आती है। वे अपने द्वारा आप ही जानने योग्य हैं, परम ज्योति स्वरूप हैं और सबके हृदय में अंतर्यामी स्वरूप से स्थित हैं। योगी पुरुष समाधि में उनका साक्षात्कार करते हैं। वे वाणी द्वारा अनिर्वचनीय माया से अनेक रूप धारण करके वास्तव में रूप रहित हैं। वे अनंत हैं, अनंत का स्वरूप है, सर्वज्ञ एवं कर्म शून्य है। उनका ऐश्वर्यमय स्वरूप इस प्रकार है, वे अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं। उनका कंठ तमाल के समान श्याम वर्ण है, ललाट में ज्योतिर्मय नेत्र प्रकाशित होते हैं। उनके शरीर का वामार्ध भाग नारी के रूप में सुशोभित होता है। वे अपने हाथों में शेष नाग का भुजबंध पहनते हैं। गंगा जी की तरंगों के संसर्ग से उनकी जटा का तट प्रांत सदा धुलता रहता है। उनका अंग विभूति समूह से उज्जवल प्रतीत होता है। भगवान रुद्र के पर तथा अपर सगुण निगुण अथा कार्य कारण 2 रूप हैं, जो संपूर्ण जगत को व्याप्त करते हैं। वे निराकार होकर भी साकार हैं। भगवान शिव ही भोग और मोक्ष के कारण हैं। जैसे शिव है वैसे विष्णु है, जैसे विष्णु है वैसे शिव है। शिव और विष्णु में तनिक भी अंतर नहीं है। भगवान विष्णु शांक धनुष एवं कोमुद की गदा धारण करके संपूर्ण त्रिलोकी का शासन करते हैं और साधु पुरुषों की रक्षा के लिए दानवों का विनाश करते हैं। शिव शर्मन, अब तुम भगवान विष्णु के लोक में निवास करो। अगस्त जी कहते हैं, प्रिय लोपा मुद्रे, इस प्रकार शिव शर्मा ब्राह्मण मोक्ष पद को प्राप्त हुए हैं। जो पुण्यमय उपाख्यान को सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो उत्तम ज्ञान को प्राप्त होता है। अगस्त जी का श्रीशैल पर कार्तिकेय जी की सेवा में जाना और उनके मुख से काशी की महिमा श्रवण करना। व्यास जी कहते हैं, सूत, इस प्रकार काशी में महिमा सुनाते हुए अगस्त जी ने अपनी पत्नी के साथ श्री पर्वत की परिक्रमा करने के पश्चात कार्तिकेय जी के सुंदर एवं विशाल वन को देखा। वहाँ लोहित नाम का पर्वत है। उस पर्वत के समीप मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य ने अपनी पत्नी के साथ 6 मुखों वाले साक्षात कार्तिकेय जी का दर्शन किया और पृथ्वी पर दंड की भांति पढ़कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। तत्पश्चात हाथ जोड़कर वैदिक सूक्तों तथा अपने बनाए हुए स्त्रोतों द्वारा उनकी स्तुति की। स्तुति के पश्चात नमो नमः कहते हुए कार्तिकेय जी की 2-3 बार परिक्रमा करके उनके द्वारा बैठने की आज्ञा मिलने पर वे उनके सामने बैठे। तब कार्तिकेय जी ने कहा, देवताओं के मुख्य सहायक मुनिवर अगस्त्य जी, कुशल तो है ना आप यहाँ आए हैं? यह मुझे मालूम हो गया है।